हाल ही में घटी एक पुणे सिटी के निगड़ी रोड पर घटना, एक ट्रक ड्राइवर की हुई अपने आप मौत। ये बात तब की है जब वो एक कंपनी का मटेरियल दूसरे कंपनी में पहुंचा रहा था। मौत से पहले उसने बहुत बार अपने दोस्तों में इस बात का जिक्र किया था कि वो जब भी रात को काम के सिलसिले में निगड़ी रोड से जाता है तब उसको हर बार एक फैमिली मदद के लिए हाथ दिखाती है, लेकिन वो हमेशा उनको इग्नोर कर देता है। उसके दोस्तों ने बताया जब उसने 3 बार इग्नोर किया तो वो लोग उसके घर तक पहुंच गए और रात को 12 से 3 के बीच में घर का दरवाजा खटखटाने लगे। जब पहली बार उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उसे लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो दरवाजा बंद करके उसके पीछे बैठ गया ताकि दूसरी बार दरवाजा बजे तो तुरंत खोल पाए और मजाक करने वाले को पकड़ पाए। तभी 10 मिनट बाद फिर से दरवाजा बजा और उसने तुरंत खोला और दरवाजा खोलते ही उस फैमिली को देखा और पूछा, आप लोग यहाँ क्या हुआ? तभी उस फैमिली ने बोला, हमारे साथ चलो, हमें मदद की बहुत जरूरत है। राहुल बिना कुछ समझे शर्ट पहन के उनके साथ निकल गया। जब राहुल गाड़ी चला रहा था तो उसने पूछा, जाना कहाँ है? तो उन्होंने बोला, निगड़ी रोड। राहुल ने अपनी गाड़ी को निगड़ी रोड पर डाला। तब रात के 1:30 बज रहे थे। उस फैमिली ने उसे चौक में गाड़ी रोकने के लिए बोला। राहुल ने बिना सोचे समझे गाड़ी रोकी और पूछा, यहाँ कौन सी मदद होना आपको? तभी उन्होंने बोला, बेटा उस पेड़ के पास हमारा बच्चा जख्मी हालत में पड़ा है, उसे ट्रक ने उड़ाया, प्लीज उसे हॉस्पिटल ले चलो। राहुल गाड़ी से उतर के उनके साथ पेड़ के पास गया और उसने देखा एक बच्चा बहुत जख्मी हालत में पड़ा है। वो तुरंत उस बच्चे को उठाने गया। जैसे ही उसने उस बच्चे को उठाया तो बच्चा हाथ में नहीं आया, जमीन पर ही पड़ा था। इस नजारे को महसूस करके राहुल की जगह पर ही पेशाब निकल गई और वो डर के मारे जगह पर ही बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसके दोस्त वहां पहुंचे तो वो लोग उसे उस हालत में देखकर समझ गए कि यह रात को बहुत दारू पिया था। उसे उसी हालत में घर लाया। राहुल को होश आने के बाद अपने दोस्तों को जब ये सब बताया तो वो लोग बोले, शायद इसकी रात की अभी तक उतरी नहीं। उसकी बातों को मजाक समझकर वो लोग वहां से निकल गए। फिर राहुल उस फैमिली के बारे में दिन भर सोचता रहा। जैसे ही रात के 8 बजे तो राहुल 2 उड़मन के क्वार्टर किया ताकि उसको अच्छी नींद आए और 9 बजे राहुल सो गया। फिर से रात के 2 बजे दरवाजा बजा। इसे सुनकर राहुल डर गया, लेकिन तभी उसे एक कॉल आती है उसके जिगरी दोस्त अक्षय की। कॉल पर अक्षय बोलता है, राहुल दरवाजा खोल, मैं आया हूँ, तुझे डर लगता है ना, इसीलिए। तो राहुल भी ना डरे दरवाजा खोलता है तो सामने उस फैमिली को देखता है और डर के मारे जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। और इस बार राहुल की फट के 4 हो गई थी, लेकिन वो लोग घर के अंदर घुसे और राहुल को बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। राहुल बहुत डर गया था, डर के मारे अंदर की रूम में चला गया। उसके कानों में वही बार बार सुनाई दे रहा था कि मदद करो, हमारी मदद करो। इतनी तेज आवाज सुनकर राहुल से रहा नहीं गया और उसने पलंग के नीचे से रस्सी निकाल के पंखे को बांधी और गले में फांसी लगा ली। दूसरे दिन जब उनके दोस्तों ने ये सब देखा तो उन्हें यकीन हुआ कि राहुल सच बोल रहा था। उसके दोस्तों ने उसका अंतिम संस्कार किया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन 8 दिन बाद अक्षय, जो उसका जिगरी दोस्त था, उसे निगड़ी से मारूंगे की ट्रिप मिलती है।